हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दादाजो कैसल पकाटे में। आज का हम लोगों का टॉपिक है जीरो की संख्या ज्ञात करना। तो आज हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे कि किसी भी संख्या में जीरो की संख्या कितनी होगी। पहला प्रश्न है हमारा 12 × 25 × 101 × 74 × 20 × में कितने जीरो हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग एकदम आसान तरीके से सीखेंगे। देखिए, 2 और 5 का जितनी बार भी गुणा करेंगे हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, और 10 में अंत में क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहली बात तो विभाजिता का नियम पता होना चाहिए। जिन्हें नहीं पता है वो हमारे चैनल पे विभाजिता के नियम टॉपिक है, उसे जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत ही आसान और अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, पहले इनका हम लोग देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएँ हैं जहाँ पर 2 या फिर 5 उनके गुणनखंड में मिलेगा। तो देखिए, 12 के गुणनखंड में भी क्या है, 2 मिलेगा, 25 के में भी 2 मिलेगा, 101 में ना 2 मिलेगा ना 5 मिलेगा। ये हमें कैसे पता चला 101 में ना 2 मिलेगा ना ही 5 मिलेगा, क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है, 1 है। और 2 की विभाजिता क्या कहती है कि इकाई का अंक हमेशा क्या हो, सम हो। सम मतलब 2, 4, 6, 8 या 0 हो, तो वो क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। और इसी तरीके से 5 का विभाजिता का नियम क्या कहता है कि अंत की जो संख्या है वो या तो 0 हो या फिर 5 हो। इकाई अंक क्या हो, 0 हो या 5 हो, तो वो 5 से विभाजित होगी। तो देखिए, यहाँ पर सम था तो ये 2 से विभाजित है, यहाँ पर 5 है तो ये 5 से विभाजित है। 101 ना सम है लास्ट में और ना ही 5 है, तो ये हमारा क्या है, 2 और 5 किसी से विभाजित नहीं है। ये 74 हमारा क्या है, 2 से विभाजित होगा, और यहाँ पे 0 है तो ये 2 और 5 दोनों से विभाजित होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, पहले हम लोग 12 का कर लेते हैं। 2 × 2 × 3 ये हो गया हमारा 12 का। अगर 5 का करेंगे तो 5 × 5 हो जाएगा 25, 101 को छोड़ देंगे। और अगर हम लोग 74 का करेंगे, 37, और इसी तरीके से अगर 20 का करेंगे तो 2 × 5 × 2। ठीक है, तो देखिए इतना हो जाएगा। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा कम संख्या किसकी है, 2 की या 5 की। तो हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 2 हमें कितनी बार मिला है, 5 बार मिला है। और वहीं 5 की संख्या कितनी है, 1, 2 और 3, 5 हमें कितनी बार मिला है, 3 बार मिला है। ठीक है, तो इकाई में आखिरी में 0 की संख्या सबसे कम वाली जो होगी वही मानी जाएगी, यानी कितनी 0 की संख्याएं होंगी, 3, ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो संख्या कम हो उसी को हम उत्तर मान लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये 74 था तो हमें इसमें पता है कि 5 आना ही नहीं था, 12 है इसमें भी 5 आना ही नहीं है, तो हमको साफ साफ दिख जा रहा है कि 5 की संख्या कम ही हो गई। इसमें 5 मिलेगा और इसमें 5 मिलेगा, बाकी सब में हमें 2 मिल रहा है 101 को अगर छोड़ दें। तो इस तरीके से हम बिना गुणनखंड किए भी मतलब पता कर सकते हैं कि 0 की संख्याएं कितनी होंगी। तो हम सिर्फ क्या करें, 5 वाले का निकालें, कितने 5 आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ज़्यादा 2 की संख्या क्या होगी, ज़्यादा ही होगी। तो इस तरह हम बिना सॉल्व किए भी आंसर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है 24, यहाँ 8 है, 24 के पावर में 8, 625 के पावर में 3, 20 के पावर में 4 × 127 × 111 गुणनफल में अंत में कितने 0 होंगे। तो देखिए, इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले 24 का क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। 2 × 2 × 2 × 3 ये क्या हो जाएगा, 24 का गुणनखंड हो जाएगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इसी तरीके से हम दूसरा कर लेंगे 625 का, 5 × 5 × 5 × 5 पावर में इसका क्या है, 3। इसी तरीके से हम 20 का कर लेंगे, 2 × 5 × 4। ठीक है, देखिए इसमें भी हमने किसके किसके गुणनफल की फल किए हैं, जिसमें 2 हो या 5 आए अंत में। ठीक है, 2 और 5 जिसका गुणनखंड होगा हमने वही संख्या ली है। 127 ना 2 से कटेगा ना
पाँच से कटेगा और 111 भी हमारा ना ही 2 से कट पाएगा और ना ही 5 से कटेगा। ठीक है, तो हमने सिर्फ 24, 625 और 20 का गुणनखंड कर लिया है। अब हम देखेंगे 1, 2, 3, 2 के पावर में 3 गुणे 3 का पावर 8, 1, 2, 3, 4, 5 के पावर में 4, 3 और 2 के पावर में 2 गुणे 5 और स्क्वायर 4, इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 8 का 3 से गुणा कर देंगे तो 2 के पावर में क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 3 की ज़रूरत हमें नहीं है तो हम इसको हटा देंगे। अब यहाँ 5 के पावर में 12 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 2 के पावर में 8 हो जाएगा और यहाँ 5 के पावर में 4 हो जाएगा। तो देखिए, अब हमें ऐसे ही पता चल जा रहा है कि हमें यहाँ पे पहले ही 24 हो गया है, तो हम लोग 5 की संख्या कम है। देखिए, 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ऐसे देख के ही लग रहा है कि 2 की संख्या ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 5 वाले को काउंट कर लेंगे। 12 में 4 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 5 के पावर में क्या हो जाएगा, 16। यही 16 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 1 × 2 × 3 × 4 × 5 इसी तरीके से रिपीट होते होते लास्ट में 50 तक की संख्या है, इसका अगर गुणनफल किया जाए तो इसके अंत में कितने जीरो होंगे। तो देखिए, इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या, एक बात का ध्यान देना होगा कि देखिए, 1 से 50 तक की गिनती में 2 से कटने वाली संख्या हर दूसरी संख्या होगी। ठीक है, 2, 4, 6 ऐसे करके हर संख्या 2 से कटेगी। ठीक है, लेकिन 5 की संख्या अगर काटनी होगी तो हमें हमेशा या तो अंत में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो इसी तरीके से हमें पता चल जा रहा है कि हर दूसरी संख्या 2 से कट रही है, तो 2 हमारा क्या है, ज़्यादा बार आएगा। लेकिन 5 की संख्या इसीलिए क्या होगी, क्योंकि 5 की संख्या तो 5 अंत में होना चाहिए या 0 होना चाहिए तो ही कटेगी। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि 5 की संख्या क्या होगी, कम आनी है। तो हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, पहले देखेंगे 5 किस 1 से 50 तक में ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो 5 से कट रही हैं। ठीक है, तो जैसे 5 आ जाएगी, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और अंत में 50। ठीक है, ये संख्याएं हैं जो 5 से कटेंगी, तो हम सिर्फ इनका गुणनखंड करेंगे और देखेंगे कि अंत में कितने जीरो होंगे। तो 5 कितनी बार है, यहाँ पर 1 बार है, 2 × 5 = 10, यानी यहाँ भी एक बार 5 आएगा, 5 से यहाँ 15, तो यहाँ भी 5 की संख्या क्या होगी, एक ही होगी। ठीक है, ऐसे अगर हम 20 में देखें तो यहाँ भी क्या होगा, एक होगा, 5 × 20, और यहाँ पे 25 को अगर देखें तो 2 × 5 आएगा। इसी तरीके से 30 में 1 × 5 आएगा, 35 में 1 × 5 आएगा, 40 में भी 1 × 5 आएगा, 45 में भी 1 × 5 आएगा और 25 में 2 × 5 आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको काउंट कर ले रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 12 कितनी हो जाएंगी, 12, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें देखना है कि 5 की संख्याएं ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो 5 से कट रही हैं, फिर उन्हें हम लिखेंगे, उसका गुणनखंड करके गिन लेंगे कि 5 कितनी बार आया है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसे करने के लिए एक ट्रिक भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे अंत में क्या दिया है, 50 दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, 50 को तब तक काटेंगे जब तक ये 5 के गुणनखंड से पूरी तरह कट ना जाए। देखिए, 5 पहले 50 को हम लोग क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, तो हम देख रहे हैं कि ये कट रहा है, फिर इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 50 को 5 के स्क्वायर 25 से काटेंगे, तब भी देख रहे हैं हम ये पूरी तरह से कट जा रहा है। ठीक है, अगर अब हम फिर से 50 को काटेंगे तो 5 × 25 = 25, फिर 25 × 25 = 125 हो जाएगा, तो इसलिए ये बड़ी संख्या हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग इसको नहीं लेंगे। ठीक है, इसीलिए हमने कहा सिर्फ 25 तक ही लिया है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारा कट जाएगा 10 बार में और ये 2 बार में, तो 10 और 2 को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये सब नहीं करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा कैलकुलेशन, इतने में ही हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 इसी तरीके से रिपीट करते हुए 140 तक के गुणनफल में कितने जीरो अंत में होंगे। तो देखिए, इसको हम लोग वही जैसा सेम था कि 2 की संख्याएं बार बार आएंगी हर दूसरी संख्या, 5 की संख्या क्या है,
बार बार नहीं आएगी, तो हमको इससे मतलब पता चल जाता है कि 5 कम बार आना है, तो हम लोग सिर्फ 5 की ही संख्याएं लेकर उसका गुणनखंड करके आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन ये हमारा कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि संख्या 140 तक है, तो एग्जाम हॉल में हमारे पास इतना समय नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग एकदम आसान सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 140 को पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, फिर 140 को हम लोग क्या करेंगे, 25 से भाग देंगे, और फिर 140 को हम लोग क्या करेंगे, 125 से भाग देंगे। ठीक है, अब 140 को अगर हम लोग देखेंगे तो 25 625 होता है, तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, सिर्फ हम लोग क्या करेंगे 125 तक ही इसको भाग देंगे। लेकिन हमें एक बात को और ध्यान देना है कि ज़रूरी नहीं है कि संख्या पूरी कटे, ये तब तक कटनी चाहिए जब तक ये 5 से पूरी तरह से कट जाए। ठीक है, बाकी जितनी बचेंगी उन्हें हमें क्या करना है, छोड़ देना है। तो अगर हम इसको काटेंगे 5 × 2 = 10, 5 × 8 = 40, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। प्लस इसी तरीके से इसको भी हम काट लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, ये 5 बार में कटेगा, उसके बाद की संख्या हमें क्या करनी है, छोड़ देनी है जो भी बच रही हैं। ये काटेंगे अगर 125 और 40 को, तो एक बार कटेगा, बाकी की संख्या हमें छोड़ देनी है। हमें बस देखना है कि 5 से ये कटे, हमें दशमलव में नहीं लेकर जाना है या फिर बची हुई संख्या को लेकर नहीं आना है, जितनी बार में ये पूरी तरह कट रही है हमें उतनी ही बार लेना है। ठीक है, तो अब हम इसको जोड़ लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 34। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 34 0 होंगे अंत में। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, 2×4×6×8×100 के गुणनफल में कितने जीरो होंगे। तो देखिए प्रश्न देखकर ही हमें पता चल जा रहा है कि ये सारी संख्याएं क्या हैं, सम संख्याएं हैं। तो सम संख्याओं में हर सम संख्या 2 से कटती है, ठीक है, और हर सम संख्या में 5 तो आएगी नहीं, क्योंकि जिसके अंत में 5 आ जाएगा वो क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। तो इसलिए हमें पता है कि हर संख्या में क्या है, 2 आएगा, लेकिन अंत में जिसमें 5 का क्या है, 5 में या तो 5 हो या 0 हो, तो वो 5 से कट जाता है। तो हम क्या देखेंगे कि 5 तो हमें मिलने वाला नहीं है सम संख्याओं में, तो हम लोग क्या देखेंगे कि किसके अंत में 0 आ रहा है, और हम लोग क्या करेंगे, 10 वही संख्या ले लेंगे। तो हमें क्या करना है, 2 से 100 तक में देखना है कि कहाँ कहाँ पर हमारा 0 आ सकता है। तो एक तो हो गया 10 हो जाएगा, इसमें हमारा 0 मिलेगा, 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100, इसमें हमें क्या है, अंत में 0 मिल रहा है। तो अब हम इसका गुणनखंड कर लेंगे, तो हम देखेंगे इसमें कितने 5 हैं, इसमें 1 5 रहेगा, इसमें भी 1 1, 40 में भी 1, 50 में 2, 60 में 1, 70 में 1, 80 में भी 1 5 मिलेगा, 90 में भी 1 5 मिलेगा, और 100 में 2 5 मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये तो हो गया थोड़ा लंबे तरीके से, अब इसको भी अगर हमें छोटे तरीके से करना होगा, देखिए 1, 2 से 100 तक की सारी सम संख्याएं ले ली गई हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 तक की संख्या यहाँ पे 100 लिखेंगे और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये 2 से 100 तक की सम संख्या ली गई हैं, तो इसकी टोटल संख्याएं कितनी होंगी, 50 ही होंगी, तो इसे हम 2 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो हमें जो ये 50 मिला है, तो इससे पहले हम लोगों ने जो फॉर्मूला मतलब जिस तरीके जो ट्रिक यूज़ किया था कि 50 को हम लोग 5 के गुणज में काटेंगे, फिर 25 से काटेंगे, फिर 125 से नहीं काटेंगे तो आगे नहीं बढ़ना है, यहाँ पे प्लस रहेगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 2 12, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ट्रिक एक बार और समझ लीजिए, अंत में हमारी जो संख्या है उसे हमें क्या करना है, 2 से भाग देना है, क्योंकि संख्या क्या है, सम में है, तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो जो भी संख्या आएगा उसे हम क्या करेंगे, 5 के गुणनखंड में उसको भाग देते रहेंगे। पहले हम 5 से देंगे, फिर हम 25 से देंगे, इसके बाद 625 आता है, तो 625 जो है 50 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए 625 से हम नहीं काटेंगे, हम लोग सिर्फ 25 तक ही काटेंगे, तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 1×3×5×7×199 तक इसी तरीके से क्रम में दिया गया है कि गुणनफल में कितने जीरो होंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये सारी संख्याएं क्या हैं, विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्याएं जो होती हैं वो कभी मतलब विषम संख्याएं में हमें 2 क्या है, 2 कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है,
इसलिए, और अगर जीरो आना है, अगर जीरो तभी आएगा जब गुणनखंड में हमें दो और पाँच दोनों मिलेंगे, ठीक है, तभी जीरो मिलेगा। तो इसमें हमें दो कहीं नहीं मिलेगा, पाँच तो मिलेगा लेकिन दो कहीं भी नहीं मिलेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि दो हमें कितनी बार, सबसे कम संख्या में दो, यानी दो हमें बिल्कुल नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो विषम संख्याओं में के गुणनफल में हमेशा जीरो जीरो होते, मतलब जीरो होते ही नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अगर प्रश्न इस तरीके से दिया हो, एक गुणे दो गुणे तीन गुणे चार गुणे, इसी तरीके से 199 तक दिया है और इसका होल करके गुणे 64 कर दिया गया है, कि अंत में गुणनफल में क्या होगा, जीरो की संख्या पूछी गई है अंत में, तो हम क्या करेंगे, 64 का गुणनखंड कर लेंगे। तो 64 का गुणनखंड क्या आएगा, दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो, यानी दो हमारा कितनी बार, छः बार मिल रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अगर इस तरीके से प्रश्न दिया गया हो, एक के पावर में एक, दो के पावर में दो, तीन के पावर में तीन, इसी तरह क्रमागत संख्या दी गई हो, 50 के पावर में 50 के गुणनफल में अंत में कितने जीरो होंगे, अगर ये ज्ञात करना हो तो हम लोग सिर्फ सबसे आखिरी में देखेंगे क्या है, तो अंत में 50 है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 50 को 5 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, 12 मिल जाएगा, सॉरी 10 मिल जाएगा। इसी तरीके से 50 को हम लोग क्या करेंगे, 25 से भाग देंगे और हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, दो मिलेगा, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हमने 5 से भाग दिया था, तो 5 को ब्रैकेट के बाहर रखेंगे और 1+2+3 इसी तरीके से करके 10 तक जोड़ लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, 25 था, तो 25 को यहाँ 2 आया है, तो 1+2 को जोड़ लेंगे। तो इसको जोड़ने के लिए हम लोग एक फार्मूला यूज़ करेंगे, n+1/2। ये फार्मूला लगातार क्रमागत संख्याओं का योग अगर निकालना होता है तो हम यही फार्मूला यूज़ करते हैं, इसको आप लोग कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए n क्या है हमारा, 10 है, तो n+1 10 1/2, ये हो जाएगा, तो 10 × 11, ठीक है, 2। इसको भी इसी तरीके से कर लेंगे तो 25 × 3 हो जाएगा, 2 × 5 = 10 कट जाएगा, 11 × 5 = 55 हो जाएगा, 55 × 5 = 275 हो जाएगा, 275 + 25 = 75 हो जाएगा। अब इसको हम लोग काउंट कर लेंगे, सॉरी सम कर लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 350, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पर 50 की जगह पे हम लोग 100 लिख दें, सौ के पावर में 100, तो हम लोग क्या देखेंगे, अंत में जो संख्या है उसी को क्या करेंगे, पहले 5 से भाग देंगे तो हमें यहाँ 20 मिलेगा, फिर 100 को हम लोग 25 से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा। इसके बाद 125 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 5 से भाग दिया था, तो 5 को ब्रैकेट के बाहर रखेंगे और 1 से 20 तक की संख्याएँ क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, प्लस, और यहाँ पे 25 था तो 25 को बाहर रखेंगे और 1 से 4 तक की संख्याएं क्या करेंगे, हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस संख्या को जोड़ने के लिए भी हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, n+1/2, ठीक है, n ब्रैकेट में n+1/2, तो 5, तो ये हो जाएगा हमारा 210+250, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर दे रही हूँ। इसको काउंट करेंगे, आ जाएगा हमारा 2300, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 × 2 × 3 × 4 × 130 के गुणनफल में अंत में कितने जीरो होंगे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। तो इसे सॉल्व करने के बाद आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करें। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।